पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया। सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है, बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात भी रात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है। आपके बस का 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था, 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला। रात को किस टाइम डाला, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान हैं, सब परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं मोबीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। मसूरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद, दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर लगाया ताला, ताला खोलने को लेकर हुआ जमकर हंगामा। हंगामा करते हुए भू माफियाओं के साथ तीखी झड़प भी हुई। उत्तराखंड के मसूरी में लखनऊ के भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम बाजार पर दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भू माफियाओं द्वारा रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहीं दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगाने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम स्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वह भू माफिया और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों का गुस्सा देखते हुए भू माफियाओं को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य गेट को ही तोड़कर अलग कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिलाराम स्टेट में पिछले कई दशकों से रह रहे लोगों को जोर जबरदस्ती घरों से निकलने की कोशिश की जा रही है, जबकि कई लोगों के पास उनके बिना सुनवाई के खाली न करने के हाई कोर्ट के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी भू माफियाओं के साथ मिली हुई है, पुलिस पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। दिलाराम में निवास कर रहे लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दशकों से दिलाराम स्टेट में रह रहे हैं, परंतु हाल में कुछ लखनऊ के भू माफिया द्वारा दिलाराम स्टेट को खरीदने की बात की जा रही है, जबकि अभी तक ना तो भू माफियाओं द्वारा खरीदे जाने के कोई कागजात दिखाए गए हैं और ना ही नगर पालिका में उसका दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिलाराम स्टेट के मकानों से खाली न कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट से स्टे भी लाया गया, परंतु भू माफिया द्वारा पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। देर रात को अचानक से मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो नियम अनुसार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु भू माफिया द्वारा उनको बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है और इसको लेकर ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में बिना कोर्ट की अनुमति के अपने घरों को खाली नहीं करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर लिया ना, कोर्ट से ऑर्डर लिया, खाली करा अपना, कोर्ट से ऑर्डर लो। आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते लोगों को, ये पूरी मसूरी इकट्ठी हो जाएगी आपकी। चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया। सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है, बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात भी रात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा, इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाएं, सब भू माफिया आकर बैठ जाएं यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे, और गुंडागरी हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। पर इस पे कोई प्रशासन पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही। प्रशासन तो आती रात को 11 बजे आई थी, पर कल परसों रात को 8 बजे आया था एसओ, इन औरतों को परेशान करके गया, इन्हें घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूं थी, मैं अपनी दुकान पे थी। इन्होंने करी है, हमारे पास हाईकोर्ट का स्टे है, हम
जा रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर, सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, हैं ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं वो गए हुए थे काम पे। ऐसो ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साहब के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुन, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने भी स्टे का पालन नहीं किया? आप देखिए, अगर वो स्टे का पालन करते, अब जब हमने खुद अपने हाथों में सारा वो ले लिया, तब स्टे ने उन्होंने कोतवाल साहब ने अब भेजा, हमारे कहते ही आ गई। सारे काम हमने सब कानूनी तरीके से करा, लेकिन पुलिस बिल्कुल एंड में आई है। ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोकलों का कोई साथ देने को तैयार।